Good morning, children. Today we have to learn about some phonic sound word. आज हम कुछ alphabets के कुछ phonic sounds के बारे में study करेंगे. Alphabet A and alphabet B. So let's start. A says A. A का जो हमारा phonic sound होता है वो होता है A. Example, जैसे कि A for apple, A for aeroplane, A for arrow. Apple, aeroplane and arrow word बोलते वक्त हमारे मुंह से जो एक phonic sound निकलता है वो क्या होता है? A. A says A. Now next is B. B says B. Example, B for ball, B for butterfly, B for bat. जैसा कि बच्चों आपने बोला B for ball, butterfly and bat, तो हमारा B का जो phonic sound होता है B, वो हमारे मुंह से निकलता है. तो हमने आज दो अल्फाबेट A says A एंड B says B के फोनिक साउंड्स के बारे में स्टडी किया. पेरेंट्स, आप सभी इस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अल्फाबेट A के फोनिक साउंड एंड अल्फाबेट B के सोनिक साउंड के बारे में उन्हें बताएं. ओके, थैंक यू सो मच.